गाइस राइड पे अगर पोपट ना हो ना तो मजा नहीं आता। और ये देखो बाइक बंद पड़ गई ऑटोमेटिक। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। चलो गाइस यहाँ से अभी निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी 45 मिनट्स का ब्रेक हुआ है। पानी पीने के लिए रुकना है सिर्फ आगे। अच्छा सॉरी राहुल की बैग रह गई मेरे पास। और धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गई है, गर्मी हो रही है। और पेट्रोल का भी सेंसर गया है, स्पीडोमीटर का भी सेंसर काम से गया है, तो देख सकते हो कि पेट्रोल भी ज़ीरो दिखा रहा है इसमें अभी, जीरो एम्प्टी। जब मैं वीडियो बना रहा था तभी दो पॉइंट्स थे, ऑटोमेटिक ज़ीरो हो गया 0.1 किलोमीटर पे। बट मज़ा आया ये राइड करके, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। पानी नहीं पिया था और पानी पीना चाहिए हर राइड पे, हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे। हम जिस रूट से जाने वाले हैं वो रहेगा माथेरान का बाईपास, उधर से फिर ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, क्योंकि ये रोड्स थोड़े ख़राब है और वो वाला जो है एकदम मक्खन रोड है। तो ऑलमोस्ट सेम किलोमीटर पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वही प्रिफरेबल है। थोड़ा नया रूट भी एक्सप्लोर हो जाएगा। और अभी पी रहे हैं यहाँ पे, वाटरफॉल भी बहुत सारे हैं, तो आपको अगर वाटरफॉल पे रुकना है तो रुक सकते हो, सिर्फ सेफली एंजॉय करो। ये मानसून अगर रहता, मानसून सीजन रहता तो और भी मजा आता, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बारिश रहेगी तो आप बाइक या कार चला भी नहीं पाते हो। बाइक तो ऑफकोर्सली जिस स्पीड से हम लोग आए थे, जैसी स्पीड हम लोग मेंटेन कर रहे थे वैसे मेंटेन नहीं कर पाते थे, बट थोड़ी थोड़ी अगर बारिश रहती तो भी मज़ा आता था। क्या बात है यार, क्या बात है। यहाँ पे भी पुलिस चेकिंग चालू है, लाइसेंस एंड रेगुलर चेकअप, नॉट एनी सीरियस इशू। लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद शायद ये फर्स्ट राइड रहेगी शायद से, जिसमें पुलिस लोगों से हमें रोका नहीं गया। सिर्फ लास्ट टाइम कैसे हुआ था कि लॉकडाउन था, या बोल सकते हैं कि जो टूरिस्ट प्लेसेस थे उस पे जाने के लिए बंदी थी, इसके लिए फिर उन्होंने रोका था। बट अभी शायद सारा खुल रहा है धीरे धीरे, तो कुछ इश्यू नहीं है। जस्ट एक नॉर्मल जनरल चेकअप के लिए वो लोग रुकाते हैं, वो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग अपनी ड्यूटी, यानी कि जो रूल्स है बोले गए फॉलो करो और क्या। अभी के जो रास्ते हैं ऐसे लग रहा है रोलर कोस्टर में बैठा हूँ। देखो देखो, डाउन अप डाउन अप। सो गाइस अभी हम लोग रुके मासा करके, एक गांव है वहाँ पे हम लोग रुके हैं चाय ब्रेक के लिए। मैं तो कुछ नहीं पीने वाला, बट धूप बढ़ चुकी है इसके लिए अभी 6
सिर्फ पानी पीने की इच्छा हो रही है, बाकी मजा आ रहा है। अभी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। प्रसाद सर, कैसे हुई आपकी ट्रिप? एकदम बढ़िया। ये रैंडम, हाँ अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बट अभी तो आधे में ज्यादा बाकी है। ये रैंडम प्लान्स है सारे, और हमेशा आपको प्लान किया, हमेशा बोलते हैं ना कि अनप्लान ट्रिप्स आर ऑलवेज फन, मस्त एकदम। तो वैसे ही हो रहा है, राहुल पीछे बैठा है, जबरदस्त सीन है। हाँ, सुबह अगर आप कल्याण वाले रोड से आते हो, जैसे आपने देखा वीडियो, इधर से भी जाएंगे तो वैसे ही। हाँ, इधर से भी, इससे उधर से शायद इधर ज्यादा मिलेगा। उधर तो पॉल्यूशन भी है थोड़ा, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो पॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, फुल ऑन नेचर। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, लॉन्ग ट्रिप करने का ऐसे ही अनप्लान उठ के निकल जाएंगे अगले दिन। हाँ चलो 700 किलोमीटर करने का, चले जाएंगे किधर, टॉप बॉक्स में डालने का, चले जाने का। अभी तो मेरा टॉप बॉक्स भी नहीं है, पहले तो था, रस्सी से बांध दिया, बंजी कॉर्ड, बंजी कॉर्ड से बांध, बट मजा आ रहा है। सिर्फ एक ही कंप्लेंट मेरी हमेशा रहती है, धूप, और धूप परेशान कर रहा है इस बार भी थोड़ा। और रुकते हैं तो ही गर्मी हो रही है, बाकी तो अच्छा हवा लग रहा है, ठंडा ठंडा ही हवा है। पानी तो बारिश से परेशान है, पूरा 6 महीना घर में बैठे राइड बिना राइड के, वो भी है एक, बट कोई नहीं, अभी निकलेंगे। पेट्रोल भी भरा लिया, मेन मतलब पेट्रोल इधर 108 रुपये है, 108 अपने इधर भी 108 है ना, 108 रुपये जो भी है, 4.20 लीटर बैठा है, 460 का भराया था मैंने, अभी होपफुली घर तक पहुंच जाएगी गाड़ी। एक चीज मैं गांव में हमेशा नोटिस करता हूँ, जब भी हम लोग किसी भी गांव से पास होते हैं ना, तो लोग देखते रहते हैं, लोग स्टेयर करते हैं, और तभी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक टाइम था जब डोमिनार हो या BMW हो या कोई भी बड़ी बाइक हो, जब जाती थी मैं भी ऐसे ही देखता था उन लोगों को, या फिर अगर चांस मिले तो मैं फोटो खींचता था, एंड ऐसा लगता था कि अपने पास भी हो। मैं इसके लिए नहीं कि लोग हमें देखे, बट एक हॉबी, एक पैशन के लिए, एंड डोमिनार है अपने पास आज, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग जब देखते हैं तो और भी अच्छा लगता है, एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है फॉर अ सेकेंड, बहुत बड़ी बात है वो। हल्की हल्की सी बारिश चालू हो चुकी है, और यहाँ पे जो मैंने सेलो टेप लगाई थी सुबह, वो निकल चुकी है, कोई नहीं। और धूप में बारिश हो रही है। प्रसाद सर और राहुल पीछे रुक चुके हैं, फोन पे मैप्स लगाया था इसके लिए फोन अंदर रख देंगे अभी। बाकी बहुत मजा आ रहा है, रास्ते भी बहुत अच्छे हैं, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करते हैं। मिरेकल मिरेकल, ऑटोमेटिक चालू हो गए ये। और ये हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, अभी कोई टेंशन नहीं, सिर्फ राहुल को पेट्रोल भरने का है, तभी रुकेंगे। सो गाइस, फाइनली एंडिंग दिस व्लॉग हियर। हमेशा की तरह इसी जगह पे रुक के हम लोग एंड करते हैं। तो बहुत मज़ा आया आज। प्रसाद सर, आपको मज़ा आया कि नहीं, थोड़ा चिल्ला के बोलना, क्योंकि आवाज़ इसमें फ़ोन में अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो आवाज़ अच्छे से नहीं आता है। एकदम एकदम ज़बरदस्त, रोड्स वगैरह सब अच्छे थे, मज़ा आया बहुत। राहुल भाई कैसा लगा? वन ऑफ द बेस्ट राइड। सच्ची मैं बोलना चाहूँगा कि ये मालूम नहीं कितना सच है, लेकिन फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन में हुआ सब कुछ। प्रसाद सर लीड कर रहे थे, राहुल बीच में था, मैं टेल में था, तो हमेशा यही फॉर्मेशन, आगे भी अगर हम उसमें जाएंगे तो यही करेंगे, और भी कोई आएंगे तो प्रसाद सर ही लीड करते हैं। बट बहुत मज़ा आया, अगली राइड पे ज़रूर जाएंगे जल्दी ही, वो शायद से लॉन्ग हो सकती है अगर सब कुछ अच्छे से हुआ तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग, स्टे सेफ।